अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को पाक कम्युनिटीज़ के सोशल मीडिया नेटवर्क में वेलकम करते हैं। बात करेंगे माच साबुत की, उड़द की। तो उड़द गुज़िश्ता 3-4 रोज़ पहले 14,250-300 तक बिक गया था, ताहम आज मार्केट 100-150 रुपया मंदा हुई है और 14,150 रुपया मन का लेवल बन गया है। मार्केट में मंदा होने की दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि माच साबुत के रेट बहुत ज़्यादा आई हैं और इसका बिक्रा जो है वो ज़रूरत के मुताबिक ही हो रहा है। दूसरी अहम वजह यह है कि इसकी बुकिंग $1,200 हो गई थी, जो घट के $1,130 हो गई है, तो $70 ऊपर माइनस हुआ है। बर्मा से मार्केट $70 कम हुई है। $1,130 वाला माच कराची आकर तकरीबन समझ लें कि 14,200-225,200 में पड़ता है, जबकि कराची की मार्केट में फ़रोख्त भी 14,150 तक हो रहा है। फ़िलहाल जो कराची के इम्पोर्टर माल बेच रहे हैं, ये पहले की बुकिंग है, 1,250-1,250 वाली बुकिंग है जो यहाँ आके फ़रोख्त हो रही है। अब ईद की छुट्टियाँ भी हैं, अब मिलर वगैरह जो है उनकी लेबरें चली जाएंगी, क्योंकि माच की सबसे बड़ी मिलिंग जो होती है वो हैदराबाद, इसकी बड़ी इंडस्ट्री और फैसलाबाद है। तो आज मेरी हैदराबाद एक ट्रेडर से बातचीत हुई थी, तो वो कहते थे कि कल तक जो है वो हमारी लेबरें छुट्टी पे चली जाएंगी और ईद के बाद आएंगी। इसी तरह फैसलाबाद के मिलर जो है उनकी लेबरें भी कल परसों छुट्टी पे चली जाएंगी और ईद के बाद आएंगी, इसलिए काम काज ना होने के बराबर है। बर्मा में ढीला है और लोकल में भी काम काज नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।